व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आनंद और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं और जिसमें हम बात करने वाले हैं जंप सर्विस, जिसको स्काई सर्विस भी कहते हैं और पावर सर्विस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जंप सर्विस कैसे करवाते हैं और जंप सर्विस की टेक्निक क्या है और जंप सर्विस को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसकी मिस्टेक्स क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको जंप सर्विस सीखनी है तो आपको किसी कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये वीडियो पार्क में शूट कर रहे हैं, तो आप अपने घर के पास में कोई पार्क हो, आप वहाँ भी इस जंप सर्विस को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्काई सर्विस को किस किस तरीके से सर्व कर सकता हूं। राइट हैंड सर्व, लेफ्ट हैंड सर्व और बोथ। हम आपको बताएंगे जंप सर्विस टेक्निक। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको बॉल अपने हाथों पर रखनी है और अपने फ्रंट में इसको टॉस करनी है बॉल। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बॉल को अपनी बॉडी से ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया, अपने बॉडी और अपने हाथ बीच के डिस्टेंस को ही कवर करके रखना है और इसी के ऊपर ही टॉस करना है और आपके हाथ पे दोबारा ऐसी वापस आए। ज़्यादा दूर जाएगी तो आप फिर बॉल को हिट नहीं कर पाओगे और ज़्यादा पास रहेगी जब भी नहीं कर पाओगे। सेकेंड स्टेप कि आपको अपने फुटवर्क पर ध्यान देना और अपनी जंप पर, तो इससे क्या होगा आपकी बॉडी में पावर आएगी। जैसा कि आपने देखा कि आपको अपने फुटवर्क कुछ जैसे आप अटैकिंग करते थे, सेम आपका वही फुटवर्क रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड जंप। एंड नेक्स्ट हम अब बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपको बॉल को हिट करना विद पावर, आपके हाथों में पावर होनी चाहिए। देखिए बॉल मत देखिए। ये थ्री स्टेप जो आपने देखे, मैंने आपको बताया, इन थ्री स्टेपों को आपको यूज़ करना है और इससे आप जंप सर्विस अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हम जंप सर्विस को सही नहीं कर पाते, अब मैं आपको ये बताऊंगा। फर्स्ट कि आप बॉल के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं जब आप बॉल को टॉस करते हैं। सेकेंड स्टेप, जब आप जंप सर्व करते हो तो फुट स्टेप सही नहीं ले पाते हो। थर्ड मिस्टेक, जब आपका हाई टॉस रहता है तो आपको सबसे पहले स्टेप लेने हैं, टॉस नहीं करना है। और जब आपका लो टॉस रहेगा तो लो टॉस रहेगा, जब आपको स्टेप और टॉस दोनों एक साथ होने चाहिए। जंप सर्विस कराते समय आपका जो बॉडी पोस्चर रहेगा वो हैंड का 90 रहेगा और लेग्स का 45 रहेगा। हैंड का कुछ ऐसे रहेगा और लेग का आपका कुछ ऐसा। ये आपका बॉडी पोस्चर रहेगा जंप सर्विस कराते समय। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाई टॉस क्या होता है, लो टॉस क्या होता है। हाई टॉस में आपको अपनी बॉडी की जो पावर होती है उसका यूज़ किया जाता है और लो टॉस में आपको बॉडी कंट्रोल के साथ जो बॉल होती है आपको फ्लैट नेट से कुछ टच होकर जाती है। देखिए चल,
नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉलीबॉल ऐसी कौन कौन सी ड्रिल्स है जिससे आप प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली ड्रिल, आपको जंप लेनी है और उसके बाद बॉल को हवा में ही पकड़ना है। सेकेंड ड्रिल, आपको उछलना और बॉल को नीचे की तरफ हिट करना है। कि आपको सर्विस कराते समय किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कि आपकी जो बॉल होनी चाहिए वो इक्वेटर से ऊपर ही हो, मतलब आपके इस हैंड से ऊपर ही बॉल हो, नीचे ना टॉस करें। सेकंड, आपको बॉल को फॉलो करना है, जैसे आपको आपने बॉल को आगे उछाला तो उसके साथ ही रिदम के साथ आपको बॉल को फॉलो करना है और आगे भेजना है, हिट करना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपनी बॉडी रिलैक्स रखनी है और अपने हाथों को जितना हो सके हाथ को खुला रखें और फुटवर्क पर ध्यान रखें। तो इससे आप एक अच्छी जंप सर्विस को सीख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए, तो आपके लिए अब और भी वीडियो आती रहेंगी।